भाई काम तो बता दे, हम जा किस ले रहे हैं? हम जा रहे हैं बलिनो की बुकिंग कैंसिल करने के लिए। ओह माय गॉड भाई, सब गाड़ी लेते हैं हम कैंसिल कर रहे हैं, क्या चक्कर है ये? सो गाइस फाइनली अनदर संडे और हम निकल चुके हैं अपने दिन की शुरुआत के लिए। हालांकि ऑलरेडी इवनिंग हो चुकी है पर दिन में बहुत गर्मी थी तो घर में ही रहे। और अभी हमने निकाल ली अपनी बाइक, नकुल ने बोला कुछ इंपॉर्टेंट काम है उसको नेक्सा पे, तो अभी मुझे पता नहीं है क्या काम है, आगे चलते हैं क्या काम होगा। और मैंने इससे पहले कभी मोटो व्लॉग भी नहीं किया तो ये मेरा फर्स्ट मोटो व्लॉग है। अभी हम धीरे धीरे, मैंने बोला था कि प्लान करेंगे एक मोटो व्लॉग के लिए गोप्रो, पर अभी के लिए मैंने लिया है नकुल से ताकि ट्रायल हो जाए और अगर अच्छा लगा तो आई होप मैं परचेज़ कर लूँगा बहुत जल्दी। तो अभी आ सकती है आपको कुछ बैकग्राउंड नॉइसेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी ना मेरे पास माइक नहीं है और नकुल का सिर्फ हम गोप्रो लिया है, माइक लगाना भूल गए। तो अभी ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। और पहली बार मोटो व्लॉग कर रहा हूँ ना तो यार बड़ा अलग सा एक्सपीरियंस है, क्योंकि हेलमेट में आगे से कुछ मोटा सा लगा पड़ा है ना। तो हमारे एरिए में ना वैसे दो तीन नेक्सा के शोरूम है, पर नकुल ने यहाँ पर कार बुक कराई थी लाजपत नगर वाले पे, तो हम यहीं पे आ रखे हैं। अब लगाते हैं फटाफट बाइक और देखते हैं मैटर क्या है। नकुल ने मुझे बताया भी नहीं क्या इंपॉर्टेंट काम है, इसने बोला कि बस इंपॉर्टेंट काम है चल मेरे साथ। चलो गाइस थोड़ी सी जगह मिल गई है, अपनी बाइक यहीं पे हो जाएगी फिट, दो मिनट के लगाते हैं और फटाफट काम करके वापस आ जाएंगे। चले नकुल ये रहा नेक्सा का शोरूम, अब चलते हैं फटाफट इसके अंदर। नकुल भाई काम तो बता दे, हम जा किस ले रहे हैं? हम जा रहे हैं बलिनो की बुकिंग कैंसिल करने के लिए। ओह माय गॉड भाई, सब गाड़ी लेते हैं हम कैंसिल कर रहे हैं, क्या चक्कर है ये? अभी बताते सारी चीजें क्या क्या हुआ था, डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी पहले अंदर चलते हैं। यार ये बंदे ने सरप्राइज दे दिया मुझे। अभी शायद इग्निस का एक नया मॉडल आने वाला है, तो अगर आप कभी भी कोई नेक्सा के शोरूम जा रहे हो ना, आपको इग्निस इतनी सारी खड़ी मिल जाएगी। एक इग्निस खड़ी है यहाँ पे, एक खड़ी है वहाँ पे, और ऐसा भी नहीं है कि सेल नहीं हो रही, गाड़ी सेल हो रही है, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा है इग्निस का। अभी रिसेंटली हम जितनी बार भी नेक्सा आ रहे हैं ना, तो पहले कन्विंस करते हैं कि इग्निस ले लो, क्योंकि अभी इग्निस का ना स्टॉक बहुत ज़्यादा है। अगर आपको इग्निस लेनी है तो जितना हो सके उनसे बोलना कि हमें बेटर ऑफर दो, क्योंकि इग्निस का स्टॉक बहुत ज़्यादा है, ऑफर आपको मिलने वाले हैं। नकुल हम गाड़ी कैंसिल करने हैं, यहाँ पे हमारा स्वागत हो रहा है पानी और कॉफ़ी से। अभी जैसे मैं शॉक हुआ था ना, अभी ये भी शॉक होने वाले हैं, आ गए हैं भैया। अभी हमने ट्राई किया, थोड़ी मीठी मीठी बातें करके ना कैंसिल करवा दें, पर वो कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं सर ले लो ले लो ले लो। तो हमने बोला चलो अगर तो आप कुछ और बेटर ऑफर हमें दे सकते हो तो बताओ, वरना फिर यार राणा मोटर्स भी हैं, वो भी काफ़ी अच्छा ऑफर दे रहे हैं। तो अभी देखते हैं, अभी ला रहे हैं हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक, उसके बाद अगर एक अच्छा ऑफर भी ले आए ना तो हम यहाँ पे स्टे कर लेंगे, फिर नकुली गाड़ी आएगी यहीं से ही, वरना फिर जाएंगे अपने राणा मोटर के पास जो है कैलाश कॉलोनी में। ओके सो अभी हम फाइनली निकल गए नेक्सा के शोरूम से वापस घर के लिए। एक्चुअली नकुल यहाँ पे कैंसिल कर नहीं रहा था अपनी गाड़ी को, लेनी हमको यहीं से ही थी, पर बलैनों की ना इतनी ज़्यादा वेटिंग है, आई डोंट नो वेटिंग है कई जगह दे भी रहे हैं जल्दी, हमने बहुत जगह बात की थी तो उनके पास अवेलेबल थी, इनके पास अवेलेबल नहीं है। और लास्ट मंथ हमने बुक किया था तो इन्होंने बोला था कि एक मंथ में आपको दे देंगे, हमने वेट किया बट स्टिल अभी हम गए हैं ना तो वो कह रहे हैं कि हम आपको एक महीना और लेंगे और एक महीने बाद दे देंगे, और ट्राई करते हैं कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको दे दें। पर इशू ये है कि अगर इतना ही लेट लेना होता तो हम कोई और गाड़ी ट्राई कर लेते, हमारा पहले ही मोटिव ये था कि हमको जल्दी गाड़ी चाहिए, इसलिए यहाँ चले गए, इन्होंने बोला था कि जल्दी दे देंगे। अब कल तक का टाइम और है, हमने बोला कि अगर आप अवेलेबल करा देते हो तो इट्स ओके, हम आपसे ले लेंगे, कोई इशू नहीं है, पर अगर स्टिल आपको बहुत टाइम लगता है तो भाई अब हम स्विच करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन और भी ज़्यादा हैं। तो होप फॉर द बेस्ट, गाड़ी मिल जाए तो बल्ले बल्ले, नहीं मिलती है तो कहीं और भी देख लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अभी के लिए कुछ सीन ऐसा है कि हम फटाफट देते हैं घर पे सामान वापस, क्योंकि नकुल अपने साथ कुछ पेपर्स ले आया था, तो फटाफट घर पे देते हैं पेपर्स और उसके बाद चलते हैं कहीं अच्छी सी जगह पे जहाँ पे वेदर थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि ना गर्मी है और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ पे। तो कोई अच्छी डेस्टिनेशन सेट करते हैं और वहाँ चलेंगे। सो गाइस सीन कुछ इस प्रकार है कि हम आ गए हैं अभी सिलेक्ट सिटी मॉल, गर्मी की हमने पहली कोल्ड कॉफ़ी नहीं पी है तो पहली कोल्ड कॉफ़ी ट्राई करनी है। अभी लगाते हैं बाइक पार्किंग में फटाफट से और चलते हैं कोई बढ़िया से, सोचा है बरिस्टा या फिर जो भी बेटर कॉफ़ी प्लेस होगी वहाँ जाएंगे। हाँ संडे है तो यहाँ पे थोड़ा सा रश दिख रहा है, बट स्टिल बाइक है तो पार्किंग तो मिल ही जानी है। जाए अब take me back to a place where I felt at home, take me back to a day when we weren't alone, take me back to an
age when the world felt small. ये वाला जो शोरूम है, इसके शोरूम के एम्प्लॉयज क्या गाना गाते होंगे? जरा 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 टच मी टच मी टच मी। तो गाइस फाइनली हमने कुछ चीज़ें ट्राई कर ली और अब निकल रहे हैं यहाँ से वापस अपने घर के लिए, क्योंकि नाइट हो चुकी है और भूख लग गई है। तो थोड़ा बहुत अब बाहर कुछ खाएंगे, साके में बहुत कुछ हो गया, अब यहाँ से फटाफट एग्जिट करते हैं। और शाम का मौसम भी हो गया है तो सब बहुत अच्छा सा लगने लग गया है यहाँ पर। ऑसम ऑसम लुक, ऑसम लुक। तो चलते हैं फटाफट से अपने एरिया में। तो गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं, सिलेक्ट सिटी मॉल से एग्जिट हो चुके हैं, जो काम करना था वो हो चुका है। और अगर आप मॉल कभी भी आते हो तो इलेक्ट्रिक स्टेयर्स में जब आप चढ़ते हो तो बहुत सेफ्टी है, चढ़ा करो। इवन आप फैमिली के साथ आते हो तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपने ये वीडियो में देखा होगा, वो आंटी उनके कपड़े फंस गए थे और थोड़ा इशू हो गया था, बट थैंक गॉड वो सेफ़ हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ, लोगों ने उनको सेफली वहाँ से निकाल लिया था। तो गाइस कभी भी आओ सेफ रहो। और आज का फर्स्ट मोटो ब्लॉग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, आई होप मैं आगे भी इसे कंटिन्यू करना चाहूँगा और आई होप करूँगा ज़रूरी। और नकुल की बलैनों का भी अभी चल रहा है सीन, लेट सी हमें कब देखने को मिलती है हमारी वीडियो में, आई होप उसका काम भी जल्दी हो जाए। सो गाइस इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड आप मुझे बताओ आपको कैसा लगा मोटो ब्लॉग देख के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय। Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time.